को विश्वास जीतिले गेहलट सरकार। राजस्थान विधानसभा आस्था जीतिला गेहलट सरकार। आस्था प्रमाणित करने को प्रस्ताव आनी संसदीय व्यापार मंत्री ध्वनिमत अनुसार गृह में आस्था प्रमाणित कला कांग्रेस। अगस्त 24 जाए विधानसभा को मुलतवी रखिले बाचस्पति। मु दल जाए आम सरकार सुरक्षित सचिन पायलट। वर्तमान समय ये हूँ एक बड़ खबर राजस्थान को लेकिन राजस्थान ने विश्वास जीतिले गेहलट सरकार। राजस्थान विधानसभा आस्था जीतिला गेहलट सरकार। आस्था प्रमाणित करने को प्रस्ताव आनी संसदीय व्यापार मंत्री ध्वनिमत अनुसार गृह में आस्था प्रमाणित कला कांग्रेस। अगस्त 24 जाए विधानसभा को मुलतवी रखिले बाचस्पति। अनेपटे सचिन पायलट कहते मु दल जाए आम सरकार सुरक्षित। बल बाहुबल और सत्ता बल की राजनीति की हार है। जनमत का लगातार पूरे देश में चीरहरण करने वाली भाजपा ये जान ले कि राजस्थान कभी हारा नहीं, प्रजातंत्र और बहुमत कभी हारा नहीं और ना ही राजस्थान कभी हारेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और करोड़ों करोड़ों भारतीय गोरे अंग्रेजों से लड़कर हमने विजय पाई। हम इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि प्रजातंत्र और बहुमत और देश के संविधान पर हमला करने वाले मोदी सरकार में बैठे काले अंग्रेजों से भी जीतकर प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। यही आज के विश्वास मत की सबसे बड़ा सबक भी है। खुद विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने यह स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र दलों के पास केवल और केवल 75 मत ही हैं। गुलाब चंद कटारिया जी ने अपने ही उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी द्वारा कल बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि वो अविश्वास मत लाएंगे। साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार के पास 124 मत हैं, हमारा कुनबा इकट्ठा है और हम राजस्थान की प्रगति और विकास और 8 करोड़ जनता की सेवा में निरंतर संकल्पबद्ध रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये आज प्रजातंत्र की जीत है, बहुमत की जीत है, जनमत की जीत है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की जीत है और विकास के एक नया सूर्य जो उदय हुआ है ये उसकी जीत है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी महासचिव जी से कि वो आपको कुछ कहेंगे। हो गया। नमस्कार साथियों, जैसा भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा, मैं राजस्थान के उस 8 करोड़ जनता का अभिवादन करता हूँ और हमारे कांग्रेस दल के और हमारे सहयोगी दल के उन 124 विधायकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने एकजुटता के साथ षड्यंत्र को जवाब देने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पिछले 34 दिनों से सतत संघर्ष करते हुए इस चीज को साबित किया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने भले ही कितने ही प्रयत्न किए हों लेकिन उन्हें टस से मस नहीं कर पाए। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और समस्त विधायक दलों का, साथ ही साथ हमारे बीटीपी और सीपीएम के साथियों का, हमारे उन सभी इंडिपेंडेंट चुनकर आए हुए एमएलए गणों का और जो साथीगण हाल ही में जिन्होंने बीएसपी से कांग्रेस में जिनका पूरा मर्जर हुआ है, उन सभी 6 विधायकों का कि उनके ऊपर सभी प्रकार के प्रयत्न किए गए, सभी प्रकार के रूप से उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने पूरे विश्वास के साथ लोकतंत्र की इस लड़ाई में, सत्य की इस लड़ाई में सत्य का साथ दिया और असत्य को पराजित किया। आज यह चीज साबित हो गई। विपक्ष के नेता माननीय कटारिया जी ने भी इस चीज को मान्य किया कि हमारे पास सिर्फ सहयोगी दल मिलाकर सिर्फ 75 ही विधायक गण हैं और हम किसी प्रकार से जो प्रस्ताव आया है बहुमत साबित करने का
हमने किसी प्रकार से ये प्रस्ताव मांगा ही नहीं था, और ये इसलिए क्योंकि सरकार ने ये प्रस्ताव लाया है तो ये बहुमत को उन्हें मान्य किया कि कांग्रेस के पास, सरकार के पास 124 विधायकों का बहुमत है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को जिन विधायकों ने, जिनकी एकता ने नाकामयाब किया, विफल किया, उसके लिए उन सबका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।